चक्कर हो जाए। मित्रों ये जो है हमारे स्टूडेंट, हम दो दिन पहले गए थे इनके घर पे और ये उसमें से एक तो उस समय बीमार होकर सोया था, और ये कक्षा 5 का स्टूडेंट है मांगीलाल, और स्कूल आने की बजाय ये इस प्रकार की गाड़ी लेके घूमता है। और हम फिर से मित्रों, ये जो हमारा अरावली वन क्षेत्र के बीच में हमारा मध्य स्कूल स्थित है, और बच्चे जो लंबे लंबे समय से अनुपस्थित थे उन्हें हम ट्रेस करने निकले हैं। तो बेटा क्यों नहीं आवे स्कूल? तो चोर बोल बेटा, तो मैं तो ये कह रहा है कि भाई इसके कपड़े नहीं है बेटा, जो पहन रखे कपड़े अना कापा धोई तो स्कूल आई सके। आज नए लेने के लिए गए हैं, तो सबसे पहले नाम बता दे, नाम क्या है? मित्र इसका मांगीलाल नाम है। और कपड़ा आया बाद में स्कूल आए बेटा रोज हैं? नहीं आया तो आओ। थारो का नाम बेटा? कमलेश। इधर है, वहाँ सीधा खड़ा है बेटा, इसके साथ इसके पास में खड़ा रहा है। क्या नाम है? पिताजी का नाम? पापा और नाम तारा? लालू राम जी रहते हूँ बेटा। तो बीमार हो दो दिन पहले, ठीक हुई क्यों? तारे होट ना ये भैया बेटा, ये था कि बिल्कुल एकदम हड़ वजह से भैया कंडीशन तो अटक कर रहा था। भर्ती ने यहाँ क्या कर रहा है बेटा? हैं केड़ा पड़े रहा? ये गाय भैंसों के साथ में इधर आए हैं मित्रों चराने के लिए, लेकिन ये मुझे पता है कि झूठ बोल रहे, क्योंकि इनके पास इनके हाथ से बनाई हुई एक इस प्रकार की गाड़ी है। और मित्रों बड़ी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं इन लोगों के लिए फील्ड में घर घर जाकर, और इस चीज़ को लेके कुछ जो लोकल्स हैं उन्हें भी शिकायत रहती है, और हमारे जो अधिकारी महोदय जो है उन्हें भी इस चीज़ से वो है कि आप फील्ड में जाते नहीं हो, लोगों से संपर्क नहीं करते हो, इसलिए विद्यार्थी जो है स्कूल नहीं आ रहे। लेकिन मित्रों मैं बता दूँ आपको कि इन दुर्गम इलाकों में मित्रों जो है हमने अब जो मुहिम चालू की है कि हमारी जो प्रत्येक फील्ड में जो गतिविधि होगी वो क्यों ना हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाए एज ए डॉक्यूमेंट दस्तावेज। तो मित्रों ये जो विद्यार्थी है इनको इनके घर पे हम 4-5 दिन पहले गए थे, उसमें से एक विद्यार्थी हमारा उस समय ये जो है बच्चा, क्या नाम बेटा? कैलाश। ये बीमार था और दूसरा ये उस समय नदारद था, लेकिन ये अब इसी पहाड़ियों के बीच में हम ढूंढते ढूंढते इधर आए थे और ये अचानक से मिल गए, और ये ऐसी जगह खड़े थे कि इनके पीछे कहीं भागने की इन्हें जगह नहीं मिली, और ये देखकर सन्न रह गए, स्तब्ध रह गए, कब जाना कहाँ है। और ये इस प्रकार से पढ़ने की बजाय गाड़ी चला रहे हैं, और इनके जो गार्जियन है वो भी इस प्रति, इस लापरवाही के प्रति वो है, लापरवाह है कहने का मतलब, यदि वो चाहे तो इन्हें भेज सकते हैं। और बात रही कपड़ों की, तो हमारे विद्यालय की तरफ से हम प्रतिबंधित बच्चों को ऐसा पाबंद नहीं करते कि आप यूनिफॉर्म में ही आए, जैसे उसमें से कुछ जैसे दो विद्यार्थी है ये हमारे नियमित स्टूडेंट्स है, जिसमें से एक ने यूनिफॉर्म पहन रखी है और दूसरे ने नहीं पहन रखी है, लेकिन उसके बाद हम इन्हें प्रतिबंधित, क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय रहता है कि बच्चा हमेशा स्कूल आए और स्कूल आने के बाद में वो पढ़े। मित्रों तो इन अरावली की वादियों के बीच में इस प्रकार से दुर्गम इलाका है, और यहाँ हम किस प्रकार से ये जद्दोजहद अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथ में मेरे गुरुजी यानी कि साथी भी मौजूद है, और हम दोनों इसी मूवी में। तो बेटा अब आओगे स्कूल हैं? पक्का? कब आएगा ये बता? नहीं आया तो बेटा? नहीं नहीं आया, गारंटी नहीं है ना इस बात की। पक्को आवे? कपड़ा रोको, ठेको नहीं बेटा, आज जाके ये जो कपड़े पहन रखे हैं इसको धो लेना। अभी थोड़ा दिन कड़े सरकार दे रही है कपड़ा, खबर था ना बेटा? दो दिन कड़े कपड़ा रपाया सरकार भी दी, तो रोज़ स्कूल आवे नहीं वनर बात है, सरकार की तरफ भी कपड़ा व्यवस्था है, तो स्कूल रोज़ आना है, तो कल से आने लग जाए। तो बेटा तू है, तू क्यों नहीं आ रहा भाई? कल देख नहीं आया जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर ये भेजूँगा, फिर पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे बिना काम से अगर घर रहोगे, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अपराधी हो, स्कूल आते नहीं हो और भाग जाते हो घर से सुबह जल्दी ताकि गुरुजी घर पे लेने नहीं आए। क्यों रे कैलाश, सही बात है कि नहीं है बेटा? थार घर आए नो दो दिन पहले, तने ताव आवे रोजे थे, तो अबे मटियो
अबे कदी आवनो स्कूल? कल। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है बेटा, मैं वाट बाँधू सुबह। ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम पक्का आ जाएंगे स्कूल, और हम इनकी बात पर भरोसा कर रहे हैं। और ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी किसकी बेटा, उसको तो के बताना मेरे को। बता, सलाह की बता। गाड़ी गाड़ी बताना है, कैसे चलती है पूरी बताना। इधर बताना मेरे को, इधर छोड़ में बता तेरी गाड़ी चलती कैसे, मैं भी देखूँ सही। ये मित्र, ये देखो आप, बस ये काम है इनका। स्कूल पढ़ने लिखने से इनको कोई मतलब नहीं है, घर वालों की तरफ से भी इनको पूरी छूट दे रखी है कि घूमो फिरो नैश करो। और ये साले स्कूल आने की बजाय मित्रों जो है इधर उधर पूरे दिन डोलते हैं, ना घर वालों को कोई लेना देना इनका। ये समय है किंतु ये निकल जा रहा है, और थोड़े दिन बाद ये फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और एक अच्छे नागरिक बनने की बजाय ये फिर इसी प्रकार पूरी उम्र जो है इनकी वो गुजर जाएगी और ये लोग डोलते रहेंगे। मित्रों हमारी जो लोग देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि भाई आपके जो अड़ोसी पड़ोसी जो बच्चे हैं जो घर पे रुकते हैं और विद्यालय समय पर नहीं जा पाते, उन्हें आप मोटिवेट करें, और उनकी कोई कठिनाइयाँ है तो सब मिल बांट कर उन्हें दूर करने का भी प्रयास करें। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।